गांव से चंदा इकट्ठा कर दान किए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को किए दान। ऑक्सीजन प्लांट बनाने के क्लब ने की मांग। जहां कुछ लोग कोरोना संक्रमण का फायदा उठाकर अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, वही ऐसे भी लोग हैं जो मदद के लिए सामने आ रहे हैं। रोहतक जिले के सापला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चौधरी छोटूराम युवा क्लब ने चंदा इकट्ठा कर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए हैं। सापला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की SMO डॉक्टर रेणु मलिक ने चौधरी छोटूराम क्लब के सदस्यों का धन्यवाद किया और कहा कि ये 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोगों के इलाज में काफी मदद करेंगे। हालांकि उनके पास ऑक्सीजन के सिलेंडर और 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहले से ही मौजूद हैं, लेकिन इस मदद से उन्हें काफी मदद मिलेगी। हमें 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किए गए हैं, जिनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। नहीं, आज के टाइम ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है ही, पहले हमारे पास कमी थी, अब ये है कि धीरे धीरे फुलफिल हो रही है डिमांड, तो ये आज के टाइम वाकई में काफ़ी ज़रूरत है। हमारे पास सिलेंडर्स आ चुके हैं जो कि हमें डिस्ट्रिक्ट ने दिए हैं, हमें कॉन्सेंट्रेटर भी दिए हैं, तो हमारे पास हैं उपलब्ध। डिस्ट्रिक्ट ने और भी डिमांड दी है, जो कि हमने डिमांड दी है और PHCs में आ चुके हैं, तीनों PHCs में, हसनगढ़, खराबड़ और इस्माइला में, तीनों में आ चुके हैं, हमारे भी आएंगे। अभी इस टाइम फिलहाल हमारे पास सारी पर्याप्त मात्रा में दवाइयां हैं, टेस्ट के लिए सारे प्रोविजंस हैं, तो आप ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो इसमें ये है कि कोई घबराने की बात नहीं है, आपके इलाज के लिए सारी सुविधाओं का प्रबंध है। चौधरी छोटूराम युवा क्लब के सदस्य जोगिंदर सिंह का कहना है कि इस आपदा की घड़ी में सभी लोगों को सामने आकर मदद करने की जरूरत है। उनके युवा क्लब ने गांव से चंदा इकट्ठा कर ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट किए हैं। इस संक्रमण के दौरान ऑक्सीजन की कमी के चलते बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, जिसको देखते हुए उन्होंने कंसंट्रेटर दान किए हैं। साथ ही उन्होंने ये मांग भी रखी कि सापला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के 20 से 25 गांवों के लोग इलाज कराने के लिए आते हैं, अगर सरकार यहां पर एक ऑक्सीजन का प्लांट लगा दे तो भविष्य में लोगों को काफ़ी फायदा होगा। देखिए, काफ़ी गंभीर स्थिति है और इसमें ऑक्सीजन की बहुत, हम देखते हैं रोज की ऑक्सीजन की बड़ी दिक्कत है, तो कुछ जो ऑक्सीजन कंडक्टर है ये आ गए हैं, कुछ इनके पास सिलेंडर है, तो जो भी आएगा उनको ये ऑक्सीजन की मदद मिले और इलाज में मदद मिले, इसलिए सोच के हमने ये किया। तो इसके अलावा और क्या हेल्प? और ये है कि हम डिमांड करते हैं, मैडम जो है यहाँ की इंचार्ज, वो सरकार को लिखे कि यहाँ ये 20-22 गांव का हॉस्पिटल है, इसमें ऑक्सीजन का प्लांट अगर लग जाए तो भविष्य में कोई दिक्कत इस तरह की नहीं आएगी कभी भी। सुविधाओं के लिहाज से ठीक है, पर प्रॉपर अगर इसका रख रखाव हो और ऑक्सीजन इसमें प्लांट लग जाए तो इसमें और अच्छी सुविधा हो सकती है। हाँ, जो भी मदद होएगी, देखिए तो महामारी है ये, तो हर आदमी को सोचना है कि भाई मदद जिसकी रूप में जिसकी हो जाए करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी ऐसे माल है, तो इसमें तो सबको ही सोचना पड़ेगा, सबको ही करनी चाहिए। तो छोटूराम युवा क्लब है, ठीक है, उन्होंने गाँव से चंदा इकट्ठा करके और ये मंगवाए हैं और ये इनके यहाँ डोनेट।